मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज का विषय है फैशन डिजाइनर, इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि इनका फैशन प्रोफेशनल क्या होता है। तो इसको हम फैशन अप्रैल भी कह सकते हैं या अप्रैल डिजाइनर भी कह सकते हैं, अप्रैल डिजाइनर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अप्रैल डिजाइनर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें ड्रेस आता है और क्लॉथ आते हैं, गारमेंट आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें फैशन डिजाइनर में हम ये अध्ययन करेंगे कि उनका क्या क्या प्रोफेशनल है, उनको किस किस बारों किस किस बातों में विशेष जानकारी होनी चाहिए, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको गारमेंट एवं एसेसरी एसेसरी की विशेष जानकारियाँ होना चाहिए। तो एसेसरी में आते हैं आपके हैंड बैग आता है, बेल्ट आता है, टाई आती है, आई वियर आती है, इत्यादि एसेसरी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फैशन डिजाइनर को कल्पनाशील होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए एवं उसे डिजाइन बनाने का स्वाभाविक गुण होना चाहिए एवं क्लॉथ का अच्छा टैलेंट होना चाहिए एवं उसे फैशन फैब्रिक एंड सुंदरता के प्रति अच्छा लगाव होना चाहिए। तो ये सब टैलेंट होना चाहिए। और क्या क्या टैलेंट होना चाहिए, उसमें डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अपनी रचनात्मकता में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उन्हें फैब्रिक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें ट्रिमिंग की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, और उन्हें फैशन रिटेल स्टोर्स में जा कर के नए नए आइडिया का अध्ययन करना चाहिए। फैशन डिजाइनर को अपने स्टाफ मेंबर के साथ कार्यों को सुपरवाइज करना चाहिए एवं फैब्रिक के प्रोडक्शन के प्रोसेस को समझना चाहिए, फैब्रिक के प्रोडक्शन को प्रोसेस को समझना चाहिए, जिससे वह फैब्रिक की कॉस्ट कीमत कितनी है उसको निकाल सके, ठीक है। फैशन डिजाइनर को म्यूजियम में भी जा कर के म्यूजियम में विजिट करके, फैशन शो देख करके और थिएटर, डांस इत्यादि में जा करके नए नए आइडियाज लेना चाहिए, नए नए, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक फैशन डिजाइनर के को जाननी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं जान रहा है तो फैशन डिजाइनर नहीं बन सकता है। उसको इसका कंक्लूजन ये है कि जो भी फैशन डिजाइनर होते हैं उनको फिट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनको समाज से लगाव होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, ट्रिमिंग की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फैब्रिक की अच्छी जानकारी होना चाहिए, जिससे वह एक अच्छा फैशन डिजाइनर बन सकता है। और कभी कभी जाकर के म्यूजियम विजिट कर ले, फैशन शो देख ले, थिएटर में चला जाए, डांस में डांस जहाँ पर होते हैं उनके फैब्रिक को देख करके वो अच्छा फैशन डिजाइनर बन सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।